हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए हूँ वाहियात के कौन एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो हमारी उसुचे है और जो हमारे गोंगचान है वो दोनों बीच में पहुंच जाते हैं, और वही यहाँ पर जो उन दोनों की दूरियां होती है वो भी कम हो जाती है। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है अब उसकी स्टार्टिंग होती है। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में अब जो हमारी उसुचे है वो उस जगह का माहौल देखती है और वो कहती है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, मतलब आपस में एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और वो भी गोंगचान से कहती हैं कि मैं भी ऐसी ही लाइफ चाहती हूँ इनके जैसी। तो जो हमारे गोंगचान है उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, हमारी लाइफ भी इन्हीं की जैसे होगी, बिल्कुल हैप्पी। और उसके बाद वो दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। तो गाइस, जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे चेन सांग है अब वो अपने घर पर बैठ के लंच कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो उनके डैड होते हैं वो उनसे कहते हैं कि कब से तुम वर्क पे आ रहे हो। तो जो हमारे चेन सांग है उनसे कहते हैं कि डैड टेंशन मत लो, मैं कंपनी में तो वापस आ जाऊंगा, पर यहाँ पर आपको कुछ चीजों को रोक देना है, जैसे कि मेरे फ्रेंड को यहाँ पर आपको उनका पीछा करना रोक देना है, मतलब उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, और ये आप मेरी सजेशन मत समझो, मेरी धमकी समझ सकते हो। और उसके बाद वो भाई अपने डैड से ये कह के चले आते हैं। तो भाई ये बंदा तो बहुत सॉलिड रूप ले रहा है। तो उसके बाद अब जो यहाँ पर हमारे हंसु भाइयों के चेयरमैन है वो एक साइड पर आते हैं, मतलब जहाँ पर उनकी कंपनी का प्रोडक्शन या पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो वो यहाँ पर जो भी स्टाफ मेंबर होते हैं उनसे कहते हैं कि सही से काम करवाना है, और वो यहाँ पर एक लीकेज भी देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो उनका स्टाफ होता है वो उनसे कह देता है कि सर टेंशन मत लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये काफी बड़ी लैंड है और यहाँ पर लीकेज तो बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, तो अपना काम करो। और वो कहाँ पर आ जाते हैं, हमारी टी के लॉ फर्म में। तो यहाँ पर अब हमारे चेतु से कहते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो भी इनकम मेरी होगी उस साइड से वो हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, असेंबली मैन ली के जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर, जिससे उन्हें भी फायदा होगा और यहाँ पर वो हमारी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। पर यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन हान है उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरी कुछ फोटोज वगैरह है, क्या तुम उन्हें डिलीट कर सकते हो। तो उनसे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, मैं कर दूंगा। पर वो उनसे फिर से इंसिस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अगर मेरे सामने करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे चेते को क्या है अब अपने लॉकर से एक पेनड्राइव टाइप की निकालते हैं, और भाई उन्हीं के सामने उस पेनड्राइव को तोड़ देते हैं, जिससे हमारे चेयरमैन आन को भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कि क्या बताऊँ भाई, मजा आता है उन्हें तो, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। और वो कहते हैं कि चेते को तुमने मेरा दिल बिल्कुल पूरी तरीके से खुश कर दिया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उनसे कहते हैं कि सर वक्त आने दो, मैं जरूर मांगूंगा। तो उसके बाद अब जो हमारे एसपी पार्टनर के सीईओ हैं वो भी कहाँ शांत बैठने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे चेयरमैन आन ने उस साइड पर वर्क कर दिया है। तो भाई वो भी यहाँ से अपना कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे। तो उसके बाद अब वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, टी किलो फॉर्म में, मतलब यहाँ पर डीलिंग वगैरह करने के लिए और मामले को और भी ज्यादा गिराने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भाई डीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे चेयरमैन हान के जो डायरेक्टर होते हैं वो भाई यहाँ पर थोड़े बिगड़ जाते हैं, मतलब उनका जो टेम्पर होता है वो लूज हो जाता है, और वहां से उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चिरुन बान है उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसे करके कुछ भी नहीं होगा। तो वो लौट के हमारे चिरुन बान को डांट देते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई इस समय बॉस मैं तुम्हारा हूँ, और अगर तुमसे मेरा साइड नहीं लिया जा रहा तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा रुपए दे सकता हूँ मेरे साइड के लिए। तो भाई वो यहाँ पर उनका ही मुंह बंद करा देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में मत पड़ो। तो अगले सीन में ही अब जो हमारे चेतगोक है वो हमारे चिरुन बान की जो वाइफ होती है उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, एली मनी में तुम्हें भाई कितना पैसे चाहिए। तो वो यहाँ पर उन्हें बता देती हैं कि मुझे इतना रुपया चाहिए। तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। और वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि पहले तुमने बोला था कि तुम्हें तुम्हारी डॉटर है वो नहीं चाहिए, अब तुम उसकी डिमांड कर रही हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो उनसे कह देती है कि मैं अपनी डॉटर को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकती, भले ही वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो लड़की है उसकी एक्चुअल में मॉम कौन है। तो भाई वो यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देते हमारे चेते को, तो भाई कुछ मामला पक्का गड़बड़ है यहाँ पर। तो उसके बाद अब जो हमारे गोंगचान है वो हमारी ओसुई से कहते हैं कि क्या आज शाम को तुम रूफटॉप पे आ जाओगी, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो उनसे कह देती है कि हाँ ठीक है आ जाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसके बाद शाम को अब जो हमारे गोंगचान है वो रूफटॉप पे हमारी ओसु जी का वेट कर रहे होते हैं, पर ओसु जी की जगह यहाँ पर हमारे चिंसांग आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। और तब तक हमारी ओसु जी भी वहाँ पर आ जाती है। तो वो यहाँ पर उन दोनों की फोटोज दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये फोटोज मैंने क्लिक करवाई है क्योंकि मेरे डैड ने मुझे हायर किया। और उसके बाद उन दोनों को वार्निंग दे देते हैं कि मैं अब अपने डैड की तरफ हूँ, तो तुम दोनों को केयरफुल रहना है,
क्योंकि भाई अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो जो हमारी उसू जी है उनसे कह देती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने हमारी फोटोज निकाल ली तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद वो उनसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चेउनसांग है वो हमारे गोंगचान से कहते हैं कि भाई तुम मेरे डैड को नहीं जानते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें 2 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई किस बात की दोस्त है, अपने डैड की पावर की ना तो टेंशन मत लो, तुमने क्या मुझे कमजोर समझ के रखा है क्या, मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ, और बात आई ना लड़ने की तो भाई हम भी पीछे किसी से नहीं हटेंगे। और उसके बाद अब वो अपने उसी वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ पर भाई उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है, मतलब सारी जो कड़ियां हैं उनकी उसको जोड़ के रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर वो कुछ बड़ा करने के प्लान में है गोंगचान मारे। और दही जो हमारे SP पार्टनर के CU है वो भाई यहाँ पर हमारे चेयरमैन रान का एक बंगला होता है जो कि भाई काफी समय से खाली होता है, उसे खरीद लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भाई उनके संग कुछ ऐसी चीजें हुई होती है जो उन्हें उस बंगले से याद आती है। तो उसके बाद अब जो यहाँ पर हमारे उसू जी के प्रिंसिपल होते हैं, मतलब उस कॉलेज के प्रिंसिपल, वो भी भाई यहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डैड टेंशन मत लो, मैंने ये वाला बंगला खरीद लिया है और इसके अंदर जो भी सबूत मुझे मिलेंगे मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो भाई अब यहाँ पर हमें बताते हैं कि भाई उनके संग एक्चुअल में हुआ क्या था। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनकी डॉटर थी, तो भाई इस बंगले में उनके संग कुछ गलत हुआ था, इसी चक्कर में जो हमारे SP पार्टनर के CU है और जो प्रिंसिपल है भाई वो दोनों इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब जो हमारे गोंगचान है वो अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर किसको देखते हैं, अपनी मॉम को। और जो उनकी मॉम है अब उन्हें देख के पहचान लेती है कि भाई ये किम दोंगू है, और वो यहाँ पर उन्हें पकड़ के चिल्लाने लगती है कि किम दोंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो हमारे गोंगचान है अब बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और मतलब अकेले में आके बैठ के रोने लगते हैं कि भाई मैं अपनी मॉम के सामने कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि मैं किम दोंगू नहीं हूँ, और ये सब चीजें कौन देख लेता है, हमारी उसूजे। पर तभी यहाँ पर हमारी उसूजे के पास एक कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि जो अंशु भाइयों की साइट है वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और ये न्यूज अब सब जगह फैल जाती है जिससे हमारे अंशु भाइयों के चेयरमैन है उनका दिमाग भी खराब हो जाता है और जो असेंबली मैन ली है उनका दिमाग भी खराब हो जाता है क्योंकि भाई वो उससे जुड़े हुए थे और उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, उनके इलेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर अब वो सोचते हैं कि मैं जो भी अंशु भाइयों से रिलेटेड चीजें हैं उनसे अपना हाथ हटा लूंगा। तो उसके बाद अब जो यहाँ पर हमारी उसू जी है वो हमारी गोंगचान से कहती है कि मुझे जानना होगा, पर जो हमारे गोंगचान है उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद जो हमारी उसू जी है वहाँ से चली जाती है और सीधा कहाँ पर पहुंच जाती है, जो साइट होती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर पहुंच जाती है। तो भाई वहाँ की हालत देख के उनके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जो भी चीज वहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई थी वो सब चीजें गिर जाती है और कई सारे वर्कर उसके अंदर दब जाते हैं। तो हमारी जो उसू जी है अब उन्हें ऐसा लगता है कैसे भी करके जो वर्कर है वहां से निकल आए। पर तभी यहाँ पर जो बचाने वाले होते हैं वो एक वर्कर को बचा लेते हैं और उन्हें एक बॉडी मिलती है, मतलब एक बॉडी का स्केलेटन मिलता है जिसे देख के भाई जो हमारी उसू जी है उनके वो थोड़े जाते हैं और जो स्केलेटन होता है अब वो पूरी न्यूज में फैल जाता है, जिसे देख के जो हमारे गोंगचान है अब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज यहाँ पर कैसे निकल गई। तो जो हमारी उसू जी है अब भाई दिन रात थक हार के घर पर लौटती है, तो यहाँ पर जो उनके फ्रेंड है अब उनसे कहते हैं कि गोंगचान कहाँ पर है, तो उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो मैं बुला के लाती हूँ। और उसके बाद जब वो ऊपर पहुंचती है तो वो यहाँ पर वही वाला रूम ओपन देखती है और उसके अंदर तो उन्हें पूरी जो प्लानिंग होती है हमारे गोंगचान की वो नजर आ जाती है, जिसमें उनका नाम भी होता है और जो टीके लॉ फर्म के चेयरमैन है उनका नाम भी होता है, और उन्हें हमारे गोंगचान का पुराना वाला आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है जिसमें उनका नाम किम दोंगू लिखा रहता है। तो अब जो हमारी उसू जी अब वो समझ जाती है कि भाई यही किम दोंगू है। और उसके बाद जो भाई हमारा एपिसोड होता है वो भाई यहीं पर एंड हो जाता है।